पूर्वोत्तर रेलवे बालिका इंटर कॉलेज व बालक इंटर कॉलेज के छात्रों के अभिभावकों ने रेल प्रशासन द्वारा विद्यालय बंद किए जाने पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में अभिभावकों ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के विद्यालय बालिका इंटर कॉलेज व बालक इंटर कॉलेज को बंद करने के लिए रेल प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने छात्रों से कहा कि वह अगले सत्र के लिए किसी और विद्यालय में एडमिशन करा ले। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन वहां से अभी तक कोई सही उत्तर नहीं मिला है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीओ को ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि विद्यालय को बंद ना किया जाए। इस अवसर पर अभिभावक पुष्पा गुप्ता, रीना राय, अनिल शर्मा, सोना देवी, रौनक शुक्ला, सरवन शुक्ला, रंजीत गुप्ता, शुभम यादव सहित अन्य अभिभावक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिभावक आनंद अग्रहरि ने कहा, आनंद अग्रहरि। किस लिए आप लोग ज्ञापन देना चाहते हैं? पूर्वोत्तर रेलवे के दो विद्यालय हैं, बालिका इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, ये दोनों बंद करने की प्रक्रिया में हैं। इसको पुनः स्थापित चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। इससे पहले आपने किसी अधिकारी से बात की थी? बहुत लोगों से बात हुई है, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। आज हम लोग ठोस उत्तर के लिए यहाँ पर आए हैं सीपीओ साहब। कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हम लोगों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से इसकी बात कही है, अब रेलवे प्रशासन से हम लोग बात करने आए हैं।